इस तरीके से, अंडा एक रखेंगे, इसको इस तरीके से लपेट देंगे, लगाएंगे ताकि वो जो ये फटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से कमाल की रेसिपियां, अथेंटिक रेसिपियां, बकरा ईद को लेकर के रेसिपियां, बड़ी ईद की रेसिपियां, बड़ी रेसिपियां, कमाल की रेसिपियां, स्पेशल रेसिपियां। नरगसी कोफ्ते बकरा ईद पे आप किस तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट अल्फाज में बताने लगा हूं, रेसिपी को लफ्जों में समोने लगा हूं, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले बकरा ईद पे नरगसी कोफ्ते आप किस तरीके से तैयार करेंगे, मैंने हाफ के जी कीमा ले लिया, कीमे को मैंने वाश नहीं किया, जब एक पीस गोश्त कर लिया उसको वाश कर लिया, धो लिया, तीन बार मशीन में से निकलवा लिया कीमे वाली मशीन में से, ठीक हो गया। ये मेरे पास 50 ग्राम भुने हुए और छिले हुए चने हैं, इनको हमने इसमें शामिल करना है जार में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने फाइन ग्राइंड कर लेना, ठीक हो गया। ये हमने ग्राइंड कर लिया, इसका बिल्कुल पाउडर बन गया, ये देख लें, ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। इसको यहाँ पे रख देंगे, मेरे पास ये घी है 2 टेबलस्पून, इसको हम ओवन में रख के मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह, इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे एक चॉपर ले लिया, चॉपर को खोलने लगे हैं, एक इस तरह छोटे साइज का प्याज इस तरीके से हम काट लेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा, इस तरीके से चॉपर में बड़ा बड़ा काट के डाल देंगे। 3 अदद सब्ज मिर्चें जो कि कड़वी कम होती हैं शामिल कर देंगे, 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे, हैं मजे तो होना आएंगे, असल चस्के तो होना आएंगे, खुशबू के लिए थोड़ा सा पुदीना शामिल कर देंगे। शॉर्ट लफ्जों में बता दिए, गल समझ आ रही है। इसको हम चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से, इन सब चीजों को चॉप करने के बाद हम कीमे को उठाएंगे, इसमें शामिल कर देंगे, बीफ का कीमा है बड़े गोश्त का, गल समझ आ रही है। हाँ, इस तरह इसको चॉप कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चॉप करने के बाद इसको बंद कर देंगे, पटोरा बक्स खोल लेंगे, पटोरे बक्स से 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, इसी में शामिल दब देना, गल समझ आ रही है। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, गल समझ आ रही है। शामिल करने के बाद इसके अंदर ये जो घी हमने मेल्ट किया था ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हैं? और साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे ये जो चने थे हमने ग्राइंड किए हुए थे, इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे पाउडर, हैं? इन सब चीजों को फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हर चीज में रल मिल जावे मेरे भाईयो। अच्छे तरीके से हमने इसको चॉप कर लिया, इसको यहाँ पे निकालने लगे इस बॉल में। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये हमने 5 अंडे बॉईल किए हुए थे, फुल बॉईल कर लिए, ठीक हो गया, थोड़ा सा नमक डाल के इनको हल्का सा पानी के अंदर हम हाथ को इस तरीके से भिगोएंगे और ये कीमे को उठा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको फैला लेंगे इस तरीके से हाथ पे, ऐह जिमें चपली कबाब बनाते हो, थोड़ा सा लंबाई में फैला लेंगे। एक अंडा उठाएंगे, इसको आप मटेरियल को थोड़ा या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लपेट देंगे अंडे के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे करके, ये देखें इस तरीके से, थोड़ा सा ये नरगसी कोफ्ते साइज में बड़े ही होते हैं, ये बात भी आपके जहन में रहे। हल्का सा पानी लगाएंगे इस तरीके से, इसको लपेट देंगे, ये देखें ये कोफ्ता तैयार हो गया, इसको यहाँ पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर जिन जो लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते, मुंह की तरफ करो कैमरे, जो लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते खुल जाते हैं, फट जाते हैं, तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो नहीं फटेंगे, फिर भी अगर आपसे नहीं संभल रहे गोश्त मुख्तलिफ किस्म का है तो सुहागे का इस्तेमाल करा करें, ठीक हो गया, ये मल्टी काम करता है, जब आप सुहागा डालेंगे फिर भी नहीं फटेंगे, ठीक हो गया, लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये इस तरीके से भी नहीं खुलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इसको ले लेंगे, इस तरीके से इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इस तरीके से, अंडा एक रखेंगे, इसको इस तरीके से लपेट देंगे दोनों हाथों की मदद से, इनकी इस तरीके से ये जगह बंद कर देंगे, इस तरीके से बना लेंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे
ताकि वो जो ये फटते हैं, क्रैक वगैरह आता है वो ना आए। ठीक हो गया, सारे कोफ्ते मैं इस तरीके से बना लूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये अंडे वाले जो है ना 5 तैयार हो चुके हैं, बकाया जो मटेरियल बचता है हम इनके छोटे साइज के हाथ से बगैर अंडे के से बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया, ये सारे इस तरीके से यहाँ पे बना के रख देंगे। बाबा जी हाफ अंडे में भी बना सकते हाफ एग में भी बना सकते हैं, अगर आपको लगे ये साइज बड़ा है तो हाफ एग में बना सकते हैं। ये लेकिन इस तरीके से हम बगैर अंडे वाले बना लेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया, कोफ्ते हमारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। अब हमने इनको फ्राई करना है 6 से 7 मिनट ताकि इनके ऊपर कलर आ जाए और ये कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाएं। फ्लेम को हाई नहीं रखना, ये बात आपके जहन में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ इस तरह छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, और फौरन से पहले हमने इनको नहीं छेड़ना, थोड़े से जान में आ जाएं 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। ये 4 जो छोटे वाले बनाए थे बगैर अंडे से वो भी यहाँ रख देंगे और इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब साइड चेंज करेंगे हम आपको बताएंगे। 1 मिनट के बाद हमने इस तरीके से इसको हिलाना है, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से आपने हिलाना है। चम्मच शम्मच नहीं दाब देना, जब चम्मच की ज़रूरत पेश आएगी जब भी हम आपको बताएंगे। ठीक हो गया, ताकि हर तरफ से कुक हो जाए और जान में आ जाए इस तरीके से। तीन मिनट के बाद अब इनको हल्का हल्का हम इस तरीके से इनकी साइडें चेंज कर देंगे, इस तरीके से हैं, आराम आराम से इस तरीके से। और इनको और मज़ीद फ्राई होने देंगे, हमने 7 मिनट पूरे करने हैं, मीडियम फ्लेम रहेगा। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, इनको यहाँ पे निकालने लगे हैं स्टेनर पे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये कोई खुले छुलेंगे नहीं, टेंशन ना लिया करें, इस तरीके से बनाया करें बेधड़क हो के, दिल से बनाया करें इस तरीके से। तमाम हम निकाल लेंगे यहाँ पे, इसी आयल से हम इसके साथ का एक पैन ले लेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। इसी आयल में से हम इसके अंदर आयल शामिल करने लगे हैं, 1/2 कप आयल शामिल कर देंगे। आयल शामिल करने के बाद हम फ्लेम को नीचे से ऑन करने लगे हैं और आयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आयल गर्म होने के बाद खड़े मसाले 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और ये काली मिर्च साबित 10 से 12 दाने शामिल कर दें और 30 से 40 सेकंड तक इसको इसके अंदर इस तरीके से घुमा लें, हल्का सा फ्राई कर लें। तब तक ये फ्राई होते हैं, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाए। एक ये प्याज बड़े साइज़ का इसके अंदर हम जूसर वाले जग में डालने लगे हैं शॉर्ट तरीके से। ये 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का ये भी डालने लगे हैं, कोई मसला नहीं है बारीक काट के हैं। जवे 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल कर दें, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे पेस्ट तैयार करने लगे। तमाम चीज़ों का अच्छे से पेस्ट बना लिया, इसमें शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक इसके अंदर अच्छे तरीके से हम इसको हिलाएंगे, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे 1 मिनट तमाम, इसकी प्याज की, टमाटर की, लहसुन अदरक की। इस टाइम पे हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून शामिल कर दें, रेड चिली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, गरम मसाला उन्हें नहीं दब देना, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, 2 मिनट तक मसालों की भुनाई कर दें। मसालों की भुनाई कर दी, फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें। इस टाइम पे आके ये दही है हमारे पास 1 कप दही का, फेंटी हुई दही शामिल कर दें, अच्छे तरीके से फेंट लिया और इस दही का पानी खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे तरीके से हर चीज़ की भुनाई होगी, दही का पानी भी खुश्क हो गया, फ्लेम को मीडियम कर दिया, कोफ्ते इसके अंदर रख देंगे, कोफ्तों की भुनाई करनी है। ठीक हो गया, इस तरीके से
कोई मसला नहीं है, फ्लेम मीडियम रहेगा, ये बात ध्यान में रहेगा। छोटे कोफ्ते बड़े कोफ्ते अच्छे तरीके से इनको इस तरीके से इनको घुमा लेंगे और ये भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, जितना शोरबा पसंद करते हैं उतना भी कर सकते हैं। हम 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे इसमें इस तरीके से। इसके साथ के हमारे पास गिलास हैं, ये देखें 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम मीडियम है अभी। बॉयल आना शुरू हो गया है, अब इंतहाई दम वाले फ्लेम पे कर देंगे फ्लेम को, दम वाले फ्लेम पे ऊपर से कवर लगा देंगे, 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कोफ्ते अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। 20 मिनट के बाद आपको इसी कंडीशन बताएंगे, लेकिन आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, दम वाला फ्लेम होना चाहिए। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कवर को उठाने लगे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कोफ्ते बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं। देखो इस टाइम पे आके ये 3 सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से डंठल के साथ कटी हुई शामिल कर दें, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दें, सब्ज़ धनिया शामिल कर दें, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि शोरबा ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसकी आँच खोल के इसको पका लें, लेकिन मैं समझता हूँ कोफ्तों में शोरबा होना चाहिए। फ्लेम को बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे आके डिश आउट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हैं, सुभानअल्लाह, छोटे कोफ्ते भी साथ में इस तरीके से चस्के थे होना आनगे इस तरीके से, सुभानअल्लाह हैं, नरगसी कोफ्ते बन रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये इस तरीके से। इस टाइम पे आके ये कोफ्ता हम निकालने लगे हैं इस तरीके से, यहाँ प्लेट में ले आएंगे, इसको आपको काट के दिखाऊंगा, ये गर्म है, थोड़ा सा टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हैं, बन रहे हैं मज़े। यहाँ पे ले आएंगे इसको, यहाँ पे ले आएंगे, सुबहान अल्लाह गर्म ने जे, थोड़ा सा गल समझा करो, रेसिपी जो कम्प्लीट करनी है बाबे ने। सब्ज़ धनिया हल्का सा मेरे भाइयों, ये नजी नरगसी कोफ्ते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, बॉल गर्म हो रहे हैं, प्लेट रख के चौक लेगा बाबा जो है, गल समझ आ रही है, हाथ जो ना सटने हुए। अगर आपको हमारी नरगसी कोफ्तों की रेसिपी अच्छी लगी हो जो बकरा ईद पे आपने बनाने हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत टेस्टफुल खुशबूदार बने हैं, कमाल के तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।